The question is the second, third, and fourth term in the binomial expansion x plus a raised to the power n are 240, 720, and 1080 respectively. Then find x, a, and n. So let's see how we are going to solve the given problem. तो चलिए शुरू करते हैं. तो सबसे पहले तो मैं बाइनोमियल एक्सपेंशन को नोट कर लेता हूँ जो क्वेश्चन में आपको दे रखा है, विच इज योर एक्स प्लस ए टोटल रेस टू द पावर एन. और हमें यहाँ पे जो सबसे पहला कॉन्सेप्ट रिक्वायर्ड है वो ये है कि अगर आपके पास ये फॉर्मेट का कोई बाइनोमियल एक्सप्रेशन है विच इज एक्स प्लस वाई रेस टू द पावर एन, तो इसका जनरल टर्म क्या होता है. तो जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला हमारे पास है टी आर प्लस वन विच इज योर एन सी आर एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस आर और वाई रेस टू दी पावर आर के. ठीक है, अब आपको यहाँ पे थोड़ा सा केयरफुल रहना है कि इन केस अगर आपको सीरीज का कोई टी आर प्लस वन टर्म निकालना है तो ध्यान दीजिएगा कि ये टी आर प्लस वन टर्म है. मतलब मान के चलिए आपको सीरीज का पांचवा टर्म रिक्वायर्ड है, तो आपको आर की जगह फाइव सबमिट नहीं करना है, आपको आर की जगह फोर सबमिट करना है, जिससे ऑटोमेटिकली ये फाइव में कन्वर्ट हो जाएगा. और ये फॉर्मेट इसलिए दिया गया है क्योंकि इसमें डाटा हैंडलिंग थोड़ी आसान हो जाती है, अदरवाइज आप टी आर पे भी काम कर सकते हैं, उससे भी रिजल्ट निकल के आ जाएगा. पर ये फॉर्मेट को यूज करने से आपकी कैलकुलेशन थोड़ी कंफर्टेबल होती है, इसीलिए हम लोग ये वाले फॉर्मेट को ही याद रखते हैं. अब बात करते हैं आगे कि आपको कौन कौन सा टर्म निकालना है. सबसे पहले आपको निकालना है सेकेंड टर्म. तो जैसा मैंने कहा कि यहाँ पे अगर आपको सेकेंड टर्म निकालना है तो आर की प्लेस पे आपको सबमिट करना पड़ेगा वन, तो ये बनेगा टी वन प्लस वन, जिसे सिंपली आप सेकेंड टर्म लिख सकते हैं, और ये बराबर होगा एन सी वन के, है ना. दैट इज योर एन सी वन एक्स रेस टू द पावर एन माइनस वन, और यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा दैट इज वाई रेस टू द पावर वन के. तो ये इस बाइनोमियल एक्सपेंशन का फर्स्ट टर्म बनेगा. लेकिन आपको ध्यान रखना चाहिए कि आपके पास वाई की जो वैल्यू है वो ए के बराबर है, तो चलिए इसको भी चेंज कर लेते हैं. तो फाइनली टी टू आपको मिलेगा दैट इज एन सी वन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन और ए रेस टू दी पावर वन के. एंड नाउ दिस इज द इक्वेशन नंबर वन. अब चलते हैं सेकेंड पार्ट पे. आप देख सकते हैं कि अब आपको थर्ड वन टर्म निकालना है. अगर आपको थर्ड टर्म निकालना है तो आर की प्लेस पे आपको अब सबमिट करना पड़ेगा टू. जैसे आप इस एक्सप्रेशन में आर की जगह टू सबमिट करेंगे और वाई की जगह ए सबमिट करेंगे तो ये मिलेगा टी टू प्लस वन, जिसको आप टी थ्री लिख सकते हैं. एंड नाउ दिस विल बिकम एन सी टू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस टू, पर क्योंकि वाई आपका ए है और ये बन जाता है ए रेस टू दी पावर टू. एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर टू. सिमिलरली अब आपको निकालना है फोर्थ वा टर्म. अगर आपको फोर्थ वा टर्म रिक्वायर्ड है तो अब आपको आर की प्लेस पे सबमिट करना पड़ेगा थ्री. तो जैसे आप थ्री सबमिट करेंगे तो ये बनेगा टी थ्री प्लस वन, जिसे सिंपली आप टी फोर भी लिख सकते हैं. एंड नाउ दिस विल बिकम एन सी थ्री एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस थ्री, और यहाँ पे क्योंकि ए है तो दैट विल बिकम ए रेस टू दी पावर थ्री, एंड दैट इज द इक्वेशन नंबर थ्री. अब चलते हैं कंडीशन पे. आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दे रखी है. सबसे पहले बोला गया है कि इसका जो सेकेंड टर्म है वो 240 के बराबर है, और ये आपके पास सेकेंड टर्म है. इट मीन्स एन सी वन एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस वन और ए रेस टू दी पावर वन, ये डाटा इक्वल है 240 के. चलिए इसको इक्वेशन नंबर ए से रिप्रेजेंट कर देते हैं. इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो आपको थर्ड टर्म दे रखा है उसकी वैल्यू है 720. थर्ड टर्म जब आपने निकाला तो वो डाटा था एन सी टू एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस टू ए रेस टू दी पावर टू, और क्वेश्चन में ये जो डाटा आपको दे रखा है ये आपके इक्वल है 720 के. लेट दिस इज इक्वेशन नंबर बी. फिर इसके बाद फोर्थ टर्म की वैल्यू आपको दे रखी है जो कि 1080 के बराबर है. फोर्थ टर्म आपने निकाला है एन सी थ्री एक्स रेस टू दी पावर एन माइनस थ्री ए रेस टू दी पावर थ्री, और ये डाटा इक्वल है 1080 के. सो दिस इज योर 1080 एंड लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर सी. अब इन तीन इक्वेशंस को मुझे मैनिपुलेट करना है और पता करना है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन. तो अब जो आगे का काम है वो केवल कैलकुलेशन वाला पार्ट है, तो चलिए अब इस पे काम करना शुरू करते हैं. तो सबसे पहले मैं बी इक्वेशन को ए इक्वेशन से डिवाइड कर रहा हूं. ठीक है, इक्वेशन नंबर बी को इक्वेशन नंबर ए से डिवाइड कर रहा हूं.
अगर हम लोग ऐसा करते हैं तो आप देख सकते हैं कि ये बनेगा 720 डिवाइडेड बाय 240। इसके बाद आप देख सकते हैं कि डेट इज योर NC2 x रेस टू द पावर n-2 a रेस टू द पावर 2 और डिवाइडेड बाय, इसको लिख सकते हैं NC1 x रेस टू द पावर n-1 और a रेस टू द पावर 1 के। इसको अगर मैं फर्दर सिंप्लीफाई करूं तो आप देख सकते हैं कि सबसे पहले जीरो से जीरो आप कैंसिल कर सकते हैं, इसके बाद हम अगर चाहें तो इसे 12 से कैंसिल भी कर सकते हैं। तो 12 सिक्सा आपको मिलेगा 72 और यहाँ पे 12 टू 24, और राइट साइड में अगर आप चेक करें तो NC2 को आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल के डिवाइडेड बाई NC1। आपके पास सिंपली अगर हम लोग NC1 की बात करें तो इसे आप लिख सकते हैं n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-1 फैक्टोरियल और फैक्टोरियल 1 के। इसके बाद आप देख सकते हैं कि ये टर्म को अगर मैं सिंप्लीफाई करूं तो यहां पे इसको आप लिख पाएंगे 1/x, दिस विल बिकम 1/x, और इसको आप लिख सकते हैं a के। अब आप देख सकते हैं कि n से n आपका डायरेक्टली n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल कैंसिल हो रहा है। लेफ्ट साइड में आपके पास 3 है और राइट साइड में अगर आप चेक करेंगे तो आपको मिलेगा n-1/2 इंटू ए अपॉन एक्स। लेट इसको एक अनदर इक्वेशन हम लोग इक्वेशन नंबर 4 से रिप्रेजेंट कर देते हैं। अच्छा थोड़ा सा आपको यहाँ पे कुछ बेसिक्स और क्लियर कर दूं, ये जो मैंने n-2 फैक्टोरियल और n-1 फैक्टोरियल को मैनेज कैसे किया है, हमारे पास एक प्रॉपर्टी होती है n फैक्टोरियल दिस इज इक्वल टू n इंटू फैक्टोरियल n-1 की। वैसे फैक्टोरियल के दो सिंबल होते हैं, आप ये सिंबल भी यूज कर सकते हैं या फिर ये वाला सिंबल भी यूज कर सकते हैं, और इट इज ऑल्सो इक्वल टू एन इंटू n-1 फैक्टोरियल। ठीक है, अब अगर आपके पास n-1 फैक्टोरियल था तो आप इसे लिख सकते हैं n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल के, और इसी कॉन्सेप्ट को यूज करके मैंने ये जो n-1 फैक्टोरियल आपको नजर आ रहा है इसको स्प्लिट किया था n-1 इंटू n-2 फैक्टोरियल के, और n-2 फैक्टोरियल से n-2 फैक्टोरियल कट गया तो डायरेक्टली आपको n-1 मिल जाएगा। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि ये कैलकुलेशन अब आपको समझ में आई होगी, और जिस लेवल का क्वेश्चन है तो ये उम्मीद की जाती है कि ये बेसिक कैलकुलेशन आप कर पाएंगे। तो चलिए एक ही क्वेश्चन हमने निकाल लिया, अब हम चलते हैं सेकेंड इक्वेशन। अब हम लोग जो करने जा रहे हैं वी आर गोइंग टू डिवाइड सी इक्वेशन बाई बी इक्वेशन। अगर मैं ऐसा करता हूं तो लेफ्ट में मुझे मिलेगा 1080, दिस इज 1080 और डिवाइडेड बाई 720, दैट इज 720 ऐसा लिख सकते हैं। राइट साइड में अगर आप चेक करेंगे तो ऊपर आपके पास है NC3 डिवाइडेड बाई NC2, एक ये डाटा आपको मिलेगा। इसके बाद आप चेक कर सकते हैं ये एक्स रेस टू द पावर n-3, एक्स रेस टू द पावर n-3 और ए रेस टू द पावर 3 डिवाइडेड बाई दैट इज एक्स रेस टू द पावर n-2 और ए रेस टू द पावर 2। तो एक्स रेस टू द पावर n-2 और ए रेस टू द पावर 2, फिर से वही टास्क है कि मुझे यहाँ पे अब कैलकुलेशन करनी है। जीरो से जीरो कट रहा है, आप इसे लिख सकते हैं 9/6, दैट इज 9/6 यहाँ पे एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-3 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल के। इसके बाद एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल के। ये मैं बताना भूल गया पर मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको पता होगा कि NCR दिस इज इक्वल टू n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई n-r फैक्टोरियल इंटू r फैक्टोरियल के। तो आप इसको ऐसे ओपन कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें, फिर से आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पे 1/x बच रहा है और एक ये टर्म आपको a मिल रहा है। फर्दर अगर मैं कैलकुलेशन करूं तो यहाँ पे लेफ्ट में आप देख सकते हैं डेट इज ऑफ 3/2, राइट साइड में आप देखेंगे तो ये कैंसिल हो रहा है, यहाँ पे आप इसको 3 टर्म कॉमन ले सकते हैं और फाइनली ये बनेगा n-2/3 इंटू ए अपॉन एक्स। लेट दिस इज द इक्वेशन नंबर 5। अब आपको चेक करना है इक्वेशन नंबर 4 और इक्वेशन नंबर 5 को। तो अब अगर मैं इक्वेशन नंबर 4 को इक्वेशन नंबर 5 से फिर से डिवाइड करूं तो कम से कम मैं अभी n की वैल्यू निकाल पाऊंगा। तो आप देख सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 4 में लेफ्ट साइड में आपके पास क्या है, आपके पास है 3 और यहाँ पे ये डाटा क्या है 3/2 है ना, तो आप इसे 3 × 2 करके भी लिख सकते हैं। इधर अगर आप चेक करेंगे, तो इधर हमारे पास है n-1/2, n-1/2 इंटू ए अपॉन एक्स और यहाँ पे
इक्वेशन नंबर 5 में हमारे पास है एन माइनस टू अपॉन थ्री इंटू ए अपॉन एक्स। आप देख सकते हैं कि ए अपॉन एक्स से ए अपॉन एक्स आपका पहले तो कैंसिल हो रहा है, इसके बाद आप चाहें तो 3 से 3 यहाँ पे कैंसिल कर सकते हैं और ये डाटा बन रहा है 2 इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, दैट इज 3 अपॉन 2 एन माइनस वन ओवर एन माइनस टू के। चलिए अब इसको फर्दर सिंप्लीफाई करें, इसे आप लिख सकते हैं 4 इंटू एन माइनस 2 बराबर 3 एन माइनस 1 के। इसको अगर आप आगे सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 4n माइनस 8, दिस इज योर 3n माइनस 3 के, या फिर आप इसे लिख सकते हैं एन इज योर 8 माइनस 3। और अगर मैं एन की वैल्यू पे कमेंट करूं तो मैंने एन पता कर लिया है एंड द वैल्यू ऑफ एन इज इक्वल टू 5। ठीक है, अब देखिए एक बार एन की वैल्यू अगर आप निकाल चुके हैं ना तो ए और एक्स निकालना हमारे लिए काफी आसान हो जाएगा। अब सबसे पहले तो इक्वेशन नंबर 4 को फिर से नोट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन नंबर 4 क्या था, 3 इज इक्वल टू एन माइनस 1 अपॉन 2 इंटू ए अपॉन एक्स, ये क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास था। इसमें क्या करना है, आप एन की जगह 5 सबमिट कर दीजिए तो ये बनेगा 3 इज इक्वल टू 4 अपॉन 2 इंटू ए अपॉन एक्स। और अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो ए अपॉन एक्स की वैल्यू अब आपको मिल रही है, दैट इज योर 3 अपॉन 2 के। अब फिर से आप चाहें तो इसको एक और इक्वेशन लेट कर लें, ऑलरेडी खूब सारी इक्वेशन बन चुकी हैं, मैं इसको इक्वेशन नंबर 6 से रिप्रेजेंट कर देता हूं। तो आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी हमने ए अपॉन एक्स की वैल्यू कैलकुलेट कर ली है विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। अब आगे हम लोग क्या कर रहे हैं कि आपके पास ये जो सबसे पहली इक्वेशन थी इक्वेशन नंबर ए, अब इसके डाटा को एक बार चेक करें, ये क्या है, NC1 x रेस टू द पावर n माइनस 1 और इंटू ए रेस टू द पावर 1 एंड विच इज इक्वल टू 240। मैं इस इक्वेशन को एक बार फिर से यूज कर रहा हूं, तो आप देख सकते हैं कि आपके पास है NC1 x रेस टू द पावर n माइनस 1 a रेस टू द पावर 1 एंड दिस इज योर 240। अभी अभी आपने पता किया है कि जो n है वो आपका बेसिकली 5 के इक्वल है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे 5C1 लिख देते हैं और 5C1 की वैल्यू 5 के बराबर ही होती है। इसके बाद आप इसे लिख सकते हैं x की पावर n, जो कि n आपका अभी 5 सबमिट में करूंगा, और इसके बाद ये बनेगा a अपॉन x विच इज योर 240। आप देख सकते हैं कि ऑलरेडी आपके पास a अपॉन x की वैल्यू तो सीधे सीधे ही मौजूद है विच इज इक्वल टू 3 अपॉन 2। तो अगर मैं यहाँ पे 3 अपॉन 2 यूज करता हूं तो ये बनेगा 5 x रेस टू द पावर 5, मैंने एन की वैल्यू 5 सबमिट कर दिया है, इसके बाद ये डाटा 3 अपॉन 2 एंड दिस इज योर 240 के। इसी क्वेश्चन को जब आप फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x की पावर 5 इज इक्वल टू 32, और इनकेस अगर आप यहाँ पे कंपेयर करते हैं तो x की वैल्यू आपको मिलती है 2 के इक्वल, क्योंकि 2 की पावर 5 को जब आप ओपन करते हैं तो वैल्यू 32 आती है। तो देखिए हमने दो वैल्यूज निकाल ली हैं, n हमारे पास 5 आ चुका है, x हमारे पास 2 आ चुका है, अब बस एक और अननोन बचा हुआ है a, जिसको हम लोग इस इक्वेशन की हेल्प से फिर से निकाल सकते हैं। जैसा कि हमारे पास है a अपॉन x इज इक्वल टू 3 अपॉन 2, और x की वैल्यू तो ऑलरेडी अभी अभी आपने पता की है विच इज इक्वल टू 2, तो यहां से a की वैल्यू निकल के आ जाती है 3 के बराबर। तो फाइनली क्वेश्चन में पूछा गया था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a। तो n की वैल्यू हमारे पास है 5 के इक्वल, x की वैल्यू हमारे पास है 2 के इक्वल, और ए की वैल्यू हमारे पास है 3 के इक्वल।